अक्षय एक साल में 4 से 5 फिल्में देने के लिए जाने जाते हैं। इस बार वो अपने नंबर गेम में जरा और आगे निकलने वाले हैं। साल 2024 में शाहरुख, सलमान या आमिर की फिल्में शायद ही रिलीज हों। बीते साल एनिमल जैसी हिट देने वाले रणबीर कपूर भी इस साल कोई फिल्म नहीं डिलीवर करने वाले। ऐसे में अक्षय के पास पूरा मौका है। अब साल 2024 के लिए अक्षय कुमार के लाइनअप को देखा जाए तो इस साल के अंत तक अक्षय करीब 9 फिल्में रिलीज कर सकते हैं, जिनमें से 2 फिल्मों में उनका बहुत तगड़ा कैमियो होगा। इनमें से कुछ फिल्में अनाउंस हो चुकी हैं, कुछ फिल्मों को लेकर सिर्फ चर्चा हो रही है, अभी तक ऑफिशियली कुछ भी पता नहीं चला है। ये फिल्में होंगी बड़े मियां, छोटे मियां, सरफिरा सिंघम, अगेन, स्काई फोर्स, वेलकम टू द जंगल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी, शंकर नायर, खेल खेल, हेरा फेरी 3। अली अब्बास जफर की बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय कुमार साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइगर श्रॉफ के साथ ये अक्षय कुमार का पहला कोलैबोरेशन है, जिसे इस साल ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। 300 करोड़ के बड़े बजट पर बनी इस फिल्म का क्लैश होगा अजय देवगन की फिल्म मैदान से। वैसे दोनों ही फिल्में अलग अलग जॉनर की हैं। इसके बाद रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन और माहेश मंजरेकर की मराठी फिल्म वेडात मराठे वीर दौड़ले 7 में अक्षय का स्पेशल कैमियो होगा। इसके बाद सरफिरा 12 जुलाई को बड़े पर्दे पर उतारी जाएगी। अक्षय की अपकमिंग फिल्मों में बहुत सी फिल्मों की रिलीज डेट फिलहाल अनाउंस नहीं हुई है, मगर कहा जा रहा है कि इन्हें इसी साल पर्दे पर उतारा जा सकता है। अक्षय कुमार अगर इस साल ये 9 फिल्में रिलीज करते हैं तो उन पर इंडस्ट्री के 1400-1500 करोड़ रुपए दांव पर लगे होंगे। ऐसे में यह जरूरी है कि अक्षय की सभी फिल्में बढ़िया परफॉर्म करें ताकि इंडस्ट्री को मुनाफा हो सके और अक्षय के सूखे हुए करियर पर फुहार छा जाए। बाकी अब आने वाला समय ही बताएगा कि अक्षय के इन जल्दी जल्दी फिल्में रिलीज करने वाले फॉर्मूले को जनता कितना पसंद करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार रिव्यू वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अन्य वीडियो को देखने के लिए यहां क्लिक करें। धन्यवाद।